अभी मैं आपको जिस जगह पे लेके जा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए थे, आपने सबसे पहले इस जगह पे क्याम किया था। क्या जगह थे आपने क्या फरमाया सी? तो फिर ऐसे जगह थे पूरा मदीना मुनवरा जरा ना लोग इतने इकट्ठे हुए सन, माशाल्लाह जी, जगह थे इंतजार कर रहे हैं ना इस जगह थे। फिर सारे दिल सी के साढ़े वाल चलन वासी साढ़े वाल आज रात गुजारन रात, माशाल्लाह जी। अच्छा, फिर उन्होंने दी फरमाया कि मेरी है जी उठनी कस्बा सी ओद ना, आपने फरमाया भाई जिते जाके बहेगी ना जी उत्थे मैं रात गुजारा। और फिर जिते मस्जिद नबी बनी उत्थे अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला दा घर सी उस जगह ते फिर उठनी जाके बैठी फिर उत्थे आपने रात गुजारी। ओ वाली जगह है ओ जगह सब तो पहले आपने इधर इत्थे क़याम कीता सी। इन्होंने जी ना खाली है थोड़ी जी चार दुआरी से इन्होंने वेखो माशाल्लाह इन्हू महफूज कर दिता, हूँ चीज़ों महफूज करते जाते हैं। पहले खाली एवं छोटी जी जगह सी, पहले ये जगह थी बस। ये देखो ना ये पुरानी जगह ये है पहली बनी हुई। अच्छा, ये देखो ना ये बस इतनी जगह थी, बल्कि ऐसे भी छोटी थी। तो अभी मतलब मैं पता नहीं चल रहा था कि लोगों को जो मदीने के लोग थे इधर इस्तकबाल के लिए आए थे कि आप सरकार सलम कौन है इनमें, क्योंकि वो उनका जो है ना रंग चढ़ा हुआ था ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आप सरकार सलम का, लोगों को नहीं पता। फिर आपने उन पे एक चादर जो है ना वो तानी थी। अच्छा, फिर लोगों को पता कि ये हजूर सल्लम ने लोगों ने चादर तानी ना, लोगों को पता चला फिर वो आपने पहचाना कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सब लोगों को ये जगह अल्लाह ताला नसीब करे, आए इधर ज़ियारत करें, तो मदीने की बरकतें लूटें। बिल्कुल, माशाल्लाह।